बागेश्वर धाम कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब वो अपनी शादी को लेकर भी हैं। शिवरंजनी तिवारी नाम की लड़की की वजह से एक बार फिर से उनकी शादी की खबरों ने जोर पकड़ा है। तो चलिए जानते हैं कौन है शिवरंजनी तिवारी, जो धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने के लिए गंगोत्री से पैदल यात्रा करके बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। बागेश्वर महाराज से शादी की चाह रखने वाली शिवरंजनी तिवारी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। वो मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली हैं। बाबा से इनका जुड़ाव इतना है कि वो उनसे शादी की कामना के लिए गंगोत्री से सिर पर गंगा जल की गगरी लेकर निकल गई हैं। शिवरंजनी हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। खास बात यह है कि उनके पिता और भाई भी शिवरंजनी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। शिवरंजनी को उम्मीद है कि धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी मुलाकात जरूर होगी। नहीं, मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है, उनके दर्शन तो होंगे। वहीं बागेश्वर धाम महाराज से शादी को लेकर शिवरंजनी का अब कहना है कि महाराज को सब पता है, उनकी पर्ची महाराज के पास है, वही उसे खोलेंगे। उन्हें बालाजी सरकार पर अटूट विश्वास है, उन्हें महाराज के दर्शन होंगे। शादी होगी या नहीं होगी, 16 जून को इसका खुलासा हो जाएगा। हम लोग 1 मई को निकले थे और अभी हम लोग 16 जून तक लगभग पहुंच ही जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के, जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। लगाते रहिए, खुलासा 16 जून को ही होगा जब दर्शन होंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, महाराज जी से पूछिए इस बारे में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।